नमस्कार सभी को मैं डॉक्टर सुनीता गु नमस्कार हम अब इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं मैं डॉक्टर सुनीता गुलिया वर्किंग एज अ सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट एट सीआईटी आई इससे पहले मेरा अनुभव रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज में पढ़ाने का वहां पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है बट उसी नॉलेज को और जो डिफरेंट टूल्स जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसी को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और थोड़ा सा कोशिश करूंगी ताकि वो आप अपने क्लासरूम टीचिंग में इंटीग्रेट कर सकें तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आज का हमारा लर्निंग टूल है आर्गस लैब और इस सेशन का सब्जेक्ट एरिया रहेगा केमिस्ट्री लैब अगर हम बात करें तो एक मोलिकुलर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है एक प्रोग्राम की तरह हम इसको यूज करते हैं जिसकी सहायता से हम थ्री डी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं साथ ही साथ आज यहाँ पर हम उन स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के बाद उनका डिटेल एनालिसिस करना सीखेंगे अगर हम अभी इस सेशन इसमें क्योंकि हमारे यहाँ पे आज हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस काफी सारी रहेंगी तो हैंडस ऑन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ थोड़ा सा इसके फीचर्स और वो सब हम आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगी जैसा कि आप सब लोग वैसे तो अब तक जितने भी सेशंस हो चुके हैं उनसे कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी की बारीकियों से रूबरू हो चुके होंगे फिर भी अगर मैं सरल शब्दों में आपको समझा आपके साथ शेयर करना चाहूं तो टेक्नोलॉजी कोई भी एक ऐसा टूल टेक्निक, मेथड मशीन या फिर कोई भी नॉलेज है जिसका यूज करके हम काम को आसान कर सकते हैं आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अगर हम बात करें जो डिफरेंट एरियाज हैं हमारे जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं आप एजुकेशन कम्युनिकेशन अपनी क्लासरूम टीचिंग में हेल्थ केयर बिजनेस इवन कमर्शियल परपज से भी हम इसका काफी इस्तेमाल करते हैं इवन हम अगर आप देखें जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा शिक, नीति है एनई पी उसने भी इस चीज पर काफी जोर दिया है कि, कि किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट करना चाहिए अब इंटीग्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन पे लिस्ट आप देख सकते हैं डिफरेंट वेज इन विच हाउ इन विच यू कैन इंटीग्रेट दिस टेक्नोलॉजी इन योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप मल्टीमीडिया रिसोर्सेज रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पे विभिन्न तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि हमारे एनसीआर सी के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि दीक्षा है स्वयं प्रभा कुछ सिमुलेशंस हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं फेट लैब्स हैं और ये एच पी फाइव कैनवास फ्री प्लेन इनके बारे में भी आपने इन के बारे में अभी पुराने जो सेशन हुए हैं वहां पर इनके बारे में डिटेल आप सीख चु डिटेल आपको मिल चुका है ये सब तो आपके माध्यम है जिसके द्वारा आप इंटीग्रेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर हम देखें कि अब हमारा जो क्योंकि आज का जैसे मैंने आपके साथ शुरू में ही ये चीज मेंशन किया कि टेक्नोलॉजी को हम अपना जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हम केमिस्ट्री लर्निंग में आज यूज करने वाले हैं तो ऐसे किस कौन से विभिन्न तरह के इंटरेक्टिव टूल्स हैं जिसका हम केमिस्ट्री एजुकेशन में यूज कर सकते हैं आई होप स्क्रीन सबको विजिबल है और मेरी आवाज भी क्लियर है yes, okay, जी धन्यवाद जब हम डिजिटल टूल्स की बात करते हैं या इंटरेक्टिव टूल्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम तक सीमित नहीं है इवन वर्चुअल लैब्स जो हम बात कर रहे हैं आपने देखा होगा हमारे दीक्षा पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे वर्चुअल लैब्स का एक वर्टिकल है वर्चुअल लैब्स हो गया सिम्युलेश होती हैं डिजिटल मॉडल्स हैं इवन डिफरेंट तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं ये सब इंटरेक्टिव टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम केमिस्ट्री में कर सकते हैं अब ये इंटरेक्टिव टूल ऐसा क्या कर रहे हैं जिसको आपको अपनी क्लासरूम टीचिंग या जो आप नॉर्मल वे ऑफ टीचिंग में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा सबसे पहले तो ये जो आपका, कोई भी इंटरक्टिव टूलो तो uh, uh, एक तो अंडरस्टैंड करने में समझने में आसानी देता है ज्यादा से ज्यादा उनको इंटरेक्टिव बना सकता है प्रेजेंटेशन वे में उससे आप uh, बच्चों के साथ एक एंगेजमेंट क्रिएट uh, कर सकते हैं बच्चे ज्यादा रुचि दिखाते हैं जब हम उनको इस तरह के माध्यम के द्वारा किसी भी टॉपिक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करते हैं अगर अभी हम टूल्स की बात करें जो हमारे केमिस्ट्री में यूज हो रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स को के नेम मेंशन करे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक एवोगेड्रो है ये एवोगैड्रो जो है ये हमारा मोलिकुलर व्यूअर टूल होता है जे मॉल जे मॉल करके भी एक सॉफ्टवेयर है ये भी थ्री स्ट्रक्चर के मोलिकुलर व्यू प्रोवाइड करता है कैल्सियम और पी टेबल ये दोनों लगभग एक तरह का इनका काम रहता है ये हमें अः प्रियोडिक जो हमारा टेबल है उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है केम स्केच की सहायता से आप बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं अब हम क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेसिफिकली आर्गस लैब पर फोकस करता है तो हम इनके बारे में ज्यादा डिटेल यहाँ नहीं लेंगे अगर फिर भी आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक भी यहाँ पे शेयर किया है जिसकी सहायता से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जो प्रीवियस एस आर जी सेशंस हैं एनसीआरटी ऑफिशियल चैनल पे जाके आप उनको ढूंढेंगे तो इन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिटेल लेक्चर वहां पर मिल जाएगा अब हम जैसा कि अभी आपके साथ मैंने शेयर किया कि हमारा जो मेन आज का टॉपिक है जिसपे हमें हैंड्स ऑन लेना है जिसको हमें सीखना है वो है आर्गस लैब हमें इस अपने डिस्कशन को आर्गस लैब तक ही सीमित रखेंगे आज हम तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्गस लैब क्या है आर्गस लैब जैसा शुरू में बताया था एक मॉलिकुलर मॉडलिंग प्रोग्राम है एक मॉलिकुलर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसे हम ड्रग डिजाइनिंग प्रोग्राम की तरह भी यूज करते हैं ये सिर्फ एक सिंपल मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता इवन कॉम्प्लेक्स से बिगर मॉलिक्यूल्स बायो मॉलिक्यूल्स के लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं तो इवन अगर कोई बायोलॉजी के जो टीचर्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ ये केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है अगर जैसे अभी बताया कि ये मॉलिकुलर मॉडलिंग प्रोग्राम है इसमें हम मॉलिकुलर मॉडल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अगर मैं आप अगर इसे हम सरल श, आ, शब्दों में समझें तो आ, आर्गस लैब बेसिकली जो भी आप डेटा उसको देते हैं उसको एक रिप्रेजेंट करता है विजुअल ड्राइंग्स के माध्यम से जो विजुअल ड्राइंग्स मतलब आपको एक स्क्रीन पे जो आपके एक व्यू एक व्यू मॉडल मोड में आपको कोई चीज वहां पे स्क्रीन पे विजिबल होगा और जो विजुअल प्लेटफॉर्म है दिस विजुअल प्लेटफॉर्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि जो चीज आप विजुअलाइज कराएंगे कुछ चीजें जैसे कि बताया कि जो विजुअलाइजेशन का आपको सबको पता है अ टीचर आप सब लोग आपको पता है कि जो चीजें हम uh, कई बार हमें कुछ ऐसे मीडियम यूज करने पड़ते हैं टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर एंड विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ द वे जहां पे हम उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं uh, तो ये जो विजुअल प्लेटफॉर्म है इसके तरी इस, इसके माध्यम से हम मोलिकुलर ज्योमेट्रीज मोलिकुलर इंट्रैक्शन को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं अब बेसिकली विजुअलाइजेशन जब हम बात बोल रहे हैं तो बच्चे के लिए एक तरीके से उसको रोटेट uh, करके देखना इवन उसमें सिमुलेशंस भी होती है कई तरीके से जो इस सॉफ्टवेयर में भी है मॉलिक्यूल के अंदर बच्चा एंटर कर सकता है ऐसा फील आएगा और वो उसको रोटेट करके उसका पूरा एनालिसिस कर सकता है अच्छे से उसको समझ सकता है तो हम मैं इस चीज को यहाँ पे एक तरीके से बहुत अच्छा इस वे में कंक्लूड करना चाहूँगी कि हम जो आर्गस लैब है उसको एज अ टीचिंग एड एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल की तरह अपने क्लासरूम टीचिंग में हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे कि अभी बताया कि इट विल बेसिकली हेल्प

केमिकल बॉन्डिंग हो गया हमारा आ, हमें डिस्क्राइब करना है रिएक्शन मैकेनिज्म ज्योमेट्रीज एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स तो इन सब चीजों का एक एक लर्निंग हमें यहाँ से आसानी से मिल सकती है एंड जो भी कॉन्सेप्ट अभी यहाँ मेंशन किए गए हैं ये कहीं ना कहीं हमारे हायर जो क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ में आसानी से ये कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि हमारे जो एनसीआरटी का टेक्स्ट बुक है वहां पर ये चीजें हैं तो हम इनको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और बड़ी सहायता से हम इनको समझा सकेंगे जो हम अभी hands on टूल के माध्यम से सीखेंगे भी यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम मैं बात करना चाहूं कि ये इसकी पैडागोजिक वैल्यू क्या है इस सॉफ्टवेयर की किस तरीके से हम पैडागोजिकली इसको कह रहे हैं कि ये वी कैन इजीली इंटीग्रेट इनटू इन टू आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो uh, सबसे पहले uh, हम uh, अगर देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से आपके एक कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी फीचर्स हैं इसके कुछ और दो ये सारे फीचर्स और आइकन का डिस्कशन हमारा जब हैंड्स ऑन सेशन चलेगा तो वहां पर भी आपको मिलेगा सबसे पहले जो इसका एक खास फीचर है वो है थ्री डी मोलिकुलर स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन एंड मैन्युपुलेशन बेसिकली आप क्या करते हैं कोई भी थ्री डी मोलिकुलर स्ट्रक्चर को यहाँ बनाएंगे यहाँ पे इनबिल्ड जो इसके फीचर्स हैं उसको मैन्युपुलेट कर सकते हैं आप आप आपके लिए कोई फिक्स या रिजिड ज्योमेट्री नहीं रहेगा आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं उस मॉलिक्यूल के साथ उसको आप उस, उनका विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो विजुअल प्लान बहुत सारे टीचर्स ने आप लोगों ने अपनी क्लासरूम में आ, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप में से कभी किसी ने बॉल स्टिक जो मॉडल होते हैं मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करा है अपनी क्लास में कोई बताना चाहेगा हेलो मैम

वेरी गुड जी हाँ तो ये सब जो आपने जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन है यही हमारा टीचर का एक वे है उसको रिप्रेजेंट करने का पर इसमें अगर मैं कुछ चीज एड ऑन करना चाहूँ तो मैं कहना चाहूंगी कि जो ये सब जो हमारे तरीके हैं क्योंकि हमने भी अपने टीचर से इसी तरीके से सीखा है और ये सब सीमित है फेस टू फेस लर्निंग में वहां पे ये चीज हम आसानी से बच्चा देख पाएगा पर अगर हम बात करें आज के इन द टाइम ऑफ दिस डिजिटल एरा तो हम चाहेंगे कि कुछ हम ऐसे वी वांट टू डेमोस्ट्रेट नाउ मॉलिक्यूल्स लुक लाइक अ लाइक इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस तो वो चीज को हम इस इन डिफरेंट टूल्स और आर्गस लैब के सहायता से आसानी से समझा सकते हैं तो ये एक इसका फीचर है सेकंड इसका फीचर है कि इसमें विभिन्न तरह के मेजरमेंट टूल्स दिए गए हैं मेजरमेंट टूल्स के बारे में बताना चाहूंगी कि आप उसकी सहायता से बहुत सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि आपको डायपोल मोमेंट एनर्जी के बारे में हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बॉन्ड लेंथ कितना है एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल कैसा है डाईहाइड्रल एंगल कैसा है तो ये डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टीज और मेजरमेंट्स आप आसानी से कर सकते हैं इसके साथ साथ इस सॉफ्टवेयर की सहायता से आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारा आ, एक आ, किसी भी मॉलिक्यूल में हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन के बारे में पता होना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि क्योंकि इससे ही फर्दर आप किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको अपने मॉलिक्यूल में पता है कि एक स्पेसिफिक रीजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो आप आसानी से जैसा कि आप अपने क्लासरूम में भी समझाते होंगे बच्चे को जो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया रहता है वहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आके आसानी से अटैक कर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफि एफिशिएंट स्पीशीज रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स के को ढूंढता रहता है तो वो उसी रीजन पे आके अटैक करेगा तो ये जो छोटी-छोटी बारीकियां हैं ये कई बार हम लोग हम लोग जितना भी चाहें हम क्लासरूम टीचिंग में ट्रेडिशनल uh, वे में इस चीज को समझाते हैं बट इस चीज को विजुलाइज कराना कि बॉन्ड कैसे टूटता है बॉन्ड कैसे बनता है वो अब इस इन टूल्स इस टूल्स के माध्यम से बहुत आसानी से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं साथ ही जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्योंकि आप मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे वो कार्बन बेस्ड हैं तो कार्बन कंपाउंड कार्बन का ये इनसाइट Uh, आपको डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस देगा और सिमुलेशंस आपको करने को मिल सकती हैं सिमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमुलेशन को अगर मैं सिंपल uh, वर्ड्स में बताना चाहूं जैसे आपने फर्स्ट uh, सेशन में प्रोफेसर इंदु कुमार जी ने आपके साथ एक चीज शेयर की थी कि सिमुलेशन क्या है नियर टू रियल का विजुलाइजेशन होता है हमें हम बिल्कुल फील होगा कि हम उस रियल मॉलिक्यूल uh, या रियल स्ट्रक्चर के क्लोज आ चुके हैं तो नियर टू रियल का विजुलाइजेशन होता है तो इस ये जब विज ये विद दिस विजुलाइजेशन जो हम बात कर रहे हैं इससे हम जान सकते हैं स्टूडेंट कैन विजुलाइज की हाउ मॉलिक्यूल इंट्रैक्ट इन डिफरेंट केमिकल एनवायरमेंट क्योंकि स्टूडेंट उसको स्टूडेंट कैन एंटर और दे कैन फील लाइक दे आर एंटरिंग इन टू द मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल में जाकर उसको देख सकते हैं उसको रोटेट कर सकते हैं और उसको ट्रांसलेट करके आसानी से उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं तो ये मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही थी कि इसके थीचर्स ऑल दो हम ये अभी आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अब हम बात करते हैं इसका पैडागॉजिक वैल्यू तो पेडागॉजिक वैल्यू जो इसकी है उसमें हम पहला तो सबसे पहला है कि इट इज इट फैसिलिटेट टीचर स्टूडेंट कोलेबोरेशन एक एक्टिव लर्निंग का सोर्स है क्योंकि आप अभी मैं आपके साथ एक असाइनमेंट भी यहां पे शेयर करूंगी जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से एक टीचर आप क्लासरूम में स्टूल को आप समझाइए उसके बाद एक बच्चों के साथ एक असाइनमेंट जनरेट कीजिए आपने कुछ मॉलिक्यूल को बिल्ड करा है यू कैन शेयर डेट फाइल विद योर स्टूडेंट और स्टूडेंट उसी मॉलिक्यूल पे फर्दर चेंजेस लाकर उसको किस तरीके से एक आ, फाइनल प्रॉपर्टीज या जो भी उसके पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकता है तो इस तरीके से टीचर स्टूडेंट कोलैबोरेशन होता है इवन एज एन असाइनमेंट और क्लास क्लास टेस्ट के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आप बच्चे के लिए एक असाइनमेंट को क्रिएट कीजिए एंड आज द स्टूडेंट टू बिल्ड दिस स्ट्रक्चर थ्रू दिस आर्गस लैब वो वहां पे अपना डेटा रिपोर्ट करेंगे मैं डेटा रिपोर्टिंग करना भी आपको इसके द्वारा सिखाऊंगी किस तरीके से हम सारा जो हम मॉलिक्यूल या बिल्ड करेंगे हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं और कहाँ पर अपने वर्ड कैसे उसको पेस्ट कर सकते हैं then second इसका है है कि कि जैसे अभी बहुत देर से से इसी बात डिस्कशन हो हो रहा है कि it helps the, in the molecular understanding. को अच्छे से हमें अंडरस्टैंडिंग जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ थ्री डी विजुअलाइजेशन जो इसका मेन फीचर है दैट यू कैन इजिली सी हाउ मोलिक्यूल बिहेव इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस अब जैसा कि कोई भी चीज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ खामियां भी जरूर होगी तो हम इसकी कुछ जो इसकी स्ट्रेंथ है अगर मैं वो आपके साथ बताना चाहूं तो स्ट्रेंथ में सबसे पहले एक तो ये फ्रीली लाइसेंस सॉफ्टवेयर है आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हम आज इस क्लास में मैं आपके साथ इसको डाउनलोड करना भी सिखाऊंगी इसको आसानी से हम यूज कर सकते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है आप बच, अगर आपने इसमें स्टूडेंट को लिंक प्रोवाइड किया और उसके बाद वो उसको खुद से भी एक्सप्लोर कर सकता है क्योंकि इसमें एक इनबिल्ट मैनुअल uh, भी है गाइड uh, इसका एक uh, एक बुकलेट है जिसके माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करना भी सीख सकते हैं बट एज अ टीचर आप उसको और बेहतर बह, तरीके से उसको आप फिल्टर कर सकते हैं कि हमें क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लास रूम टीचिंग की हायर क्लास अप टू क्लास ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को या कुछ फीचर्स को हमें लिमिट करना पड़ेगा टू मेक द कंटेंट मोर एक्सेसिबल एंड ताकि बच्चा उसके साथ ज्यादा एंगेज फील करे ये ना हो कि टूल है तो टूल के माध्यम से हम उसको ऐसी चीजें प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो उसके साथ को तो रिलेट नहीं कर पाएगा अपने अपने कंटेंट के साथ अपने क्लासरूम के साथ मैप ना कर पाए ये सब चक्कर है इसमें इसमें जो next इसका feature है, जैसे अभी बताया कि हैं। आप इसमें, uh, all, जितने भी हमारे periodic table में सबको कवर करता है इसमें फ्लेक्सिबल आउटपुट ऑप्शन है मतलब आपके लिए कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये आपको नहीं देगा डेटा मल्टीपल फॉर्मेट में फ्लेक्सिबल वे में आप इसके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर इसकी सीमाएं इसकी कंस्ट्रेंट uh, की बात करें तो जैसा अभी बताया कुछ तो खामियां जरूर होती हैं तो इसकी एक तो भाषा की सीमा है लैंग्वेज लिमिटेशन है ये सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है बट इस सेशन के द्वारा मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें जो टूल्स हमें अपनी क्लासरूम टीचिंग में यूज करने हैं उनको बहुत अच्छे से हम आज सीखेंगे ताकि वो जो हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए यहाँ से हट जाएगा देन उसके बाद हम इसकी जो ये एक तो है कि इसकी कंपैटिबिलिटी है कि ये सिर्फ हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही वर्क करता है और थोड़ा सा इसका जो मेन फोकस एरिया रहता है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स पे रहता है ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स या हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इतना इनकॉर्पोरेट नहीं करता वाइल कैलकुलेटिंग बट इसका मेन फोकस एरिया करता है बट उस पर इतना एम्फेसिस जोर नहीं देता ये अब एक आपके साथ यहाँ लिंक मैंने शेयर किया है इस लिंक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और इसका एक मैं आपको आउटलुक दे देती हूँ कि किस तरीके से जब हम इस लिंक को यूज करके इस सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर हमें दिखेगा तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे अभी मैं आपके साथ हम लोग इसको साथ में सीखेंगे तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लेफ्ट एंड साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल बनाना है अनु हीच कैन यू ऑल सी आप देख पा, yes, देख पा रहे हैं जी और अपने राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बिल्ट हो गया है जी, 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 जी. हाँ जी तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये टूल है इससे आप घबराइए नहीं कि ये इतने सारे टूल्स हम इनका कैसे यूज करेंगे आज की क्लास में हो पाएगा नहीं डेफिनेटली होगा एक एक टूल को हम समझेंगे बट हैंडसॉन के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको ऐसे नहीं बताऊंगी कि मॉलिक्यूल को क्रिएट करेंगे इस टूल की नहीं हम सीधा ऑन पे एक एक टूल को हम यूज कर लेंगे और हमारी वहीं पे इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी कि किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर्स uh, बनाने के लिए भी हमारा जो एरिया uh, रहेगा वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल है दो मॉलिक्यूल नहीं मैं आपके साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ जिसको हम यूज आज इस पर इकट्ठा काम करेंगे अब मैं कुछ स्टेप्स uh, आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दो तीन मिनट uh, में फटाफट इसको क्लीन क्लियर uh, कर देती हूँ कि किस तरीके से हमें uh, एक कोई भी मॉलिक्यूल बनाना हो ना एक, अभी जैसे बेंजीन दिखाया सिर्फ बेंजीन नहीं ये किसी भी मॉलिक्यूल को बिल्ड करने के लिए इन स्टेप्स का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम एंड प्रोडक्ट तक जरूर पहुंच जाएंगे तो ये जो स्टेप्स uh, हैं सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको जो भी मॉलिक्यूल बनाना है उसके लिए जो भी एटम्स का रिक्वायरमेंट है आप उसको सबसे पहले अपने जो आपने ब्लैक कलर का एक बोर्ड देखा था जो उसका स्क्रीन है डिस्प्ले विंडो है आप उस पर ड्रॉप कराएंगे तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है जिसमें आप डिफरेंट तरह का आप देखेंगे आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यह आपको एक टैप्ड बॉक्स दिख रहा है प्रियोडिक टेबल जैसा कैन यू ऑल सी दिस ये टैप्ड बॉक्स जो है yes, ये एक टेबल है इसमें हम अभी आगे देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसमें सारे एलिमेंट्स आपके प्रियोडिक टेबल के यहाँ पे मेंशन है तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने एटम्स को पिक करेंगे कि हमें कौन कौन से एटम चाहिए उसके बाद हम एटम्स को सिलेक्ट कर लिया अब जो भी एटम्स हमने ड्रॉप कराए हम चाहेंगे उन एटम के बीच में ऑब्वियसली बॉन्ड बने तभी तो वो मॉलिक्यूल बनेगा उसको बनाने के लिए हमें एक बॉन्ड फंक्शन है ऑटोमेटिक बॉन्ड फंक्शन उसको हमेशा ऑन रखना है अदरवाइज बॉन्ड नहीं बन पाएंगे तो ये तो हमारा स्टेप वन था कि आप एटम को ड्रॉप कराएंगे आप बॉन्ड्स को बॉन्ड्स uh, बनाएंगे देन उसके बाद आपने एटम बना लिए एक रफ स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया अब आप उसमें उस एटम की ज्योमेट्री को चेंज करना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करना चाहते हैं जिस भी तरीके से आप उस एटम को डिफाइन करना चाहते हैं आप सेकेंड स्टेप में वो करेंगे आपको लग रहा है कि मेरे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप डबल बॉन्ड बनाएंगे आपको लग रहा है यहाँ पे मुझे इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है ये हाइड्रोजन ऐड करना है तो आप ऐड करेंगे तो ये सारी जो यहां हमने बात की ये आप स्टेप टू के अंदर करेंगे फिर स्टेप थ्री में आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ तीन तरह की ज्योमेट्री प्लेस करी है तो ये स्टेप क्या है ये हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन स्टेप मीन्स यू विल गेट योर फाइनल ऑप्टिमाइज एंड रियलिस्टिक स्ट्रक्चर तो ये कैसे मिलेगा आपको सबसे पहले आपने देखा था फर्स्ट स्टेप ने आपने मॉलिक्यूल बना लिया था सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप को यूज करके अब आप क्या करेंगे आप उस मॉलिक्यूल की फाइल को सेव करेंगे एक फाइल नेम जरूर देंगे फाइल नेम देना जरूरी है अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच नहीं पाएंगे आपको सेव करना जरूरी है यहाँ पर आपने मॉलिक्यूल को सेव किया उससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लेफ्ट एंड साइड वाला जो मॉलिक्यूल है वो एक बिल्ट मॉलिक्यूल है उस पर मैंने अभी कोई भी फर्दर एक्शन नहीं करा जस्ट एक सेव्ड मॉलिक्यूल है जिसको मैंने सेव कर लिया अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बॉन्ड लेंथ जो है ये एच मॉलिक्यूल है एक पानी का मॉलिक्यूल मैंने बनाया आप देखिए कि इसमें जो दोनों ओएच एच बॉन्ड्स हैं वो किस तरीके से खिंचे हुए हैं एक एक थोड़ा सा खिंच गया है एक कंप्रेस हो गया है मतलब कोई भी किसी भी तरीके से ये सिमिट्री नहीं है और हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल में दोनों एस्टू बॉन्ड सिमेट्रिकल रहते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्लीन ज्योमेट्री क्लीन ज्योमेट्री करने का पर्पज क्या होता है क्लीन ज्योमेट्री करने से हम एक इनिशियल गैस ज्योमेट्री पे पहुंच जाते हैं इनिशियल गैस ज्योमेट्री हमारी फाइनल ज्योमेट्री नहीं होती है कभी भी इनिशियल गैस ज्योमेट्री मतलब आपको एक एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि मेरा स्ट्रक्चर लगभग ऐसा मुझे दिखेगा आफ्टर दी फाइनल स्टेप तो एक आपको क्लीन ज्योमेट्री में आप देखिए जैसे ही आपने क्लीन ज्योमेट्री की तो आपके स्ट्रक्चर का हुलिया ही बदल गया यहाँ पे किस तरीके से बॉन्ड खिंचे हुए थे और वो किसी आप क्लीन ज्योमेट्री में देखेंगे तो बॉन्ड्स थोड़े से पास आए उसने कुछ ना कुछ रियलिस्टिक एक, स्ट्रक्चर एक होता है उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है वो अब नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री तो आप देखिए कि ये जो ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री है ये है हमारा रियलिस्टिक स्ट्रक्चर रियलिस्टिक में क्यों बोल रही हूँ क्योंकि इसमें जो भी बॉन्ड लेंथ है जो भी बॉन्ड एंगल आता है वो एक्यूरेट होता है इट इज क्लोज टू दी एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन वैल्यू क्योंकि आपको पता है ओ OH एच की भी जैसे हम सी सी लेंथ बोलते हैं एक फिक्स्ड या ओ एच लेंथ है उसका अपना एक फिक्स वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है तो ये जो इसके जो डेटाज है ये बहुत एक्यूरेटली मैच करते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ जो भी कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं तो हमें रियलिस्टिक और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमें इस स्टेप में मिल जाएगा अब हमारा हैंड्स ऑन सेशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम वापस चलते हैं जहां पे हमें अपने लिंक को डाउनलोड करना है मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मेरे साथ इस लिंक को डाउनलोड करें क्या आप क्लिक करके इस लिंक से आप नेक्स्ट विंडो पे जा सकते हैं आप इस पे क्लिक कीजिए लिंक पे आप सब लोगों ने क्लिक कर का लिंक पे डाउन क्लिक किया आप सब लोगों ने हां जी कोई बताना चाहेगा आपने लिंक डाउनलोड हो रहा है आपका दूसरा लिंक डाउनलोड नहीं हो रहा मैसेज में होता तो शायद हो अच्छा, है अच्छा पर... सर, सर, दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप मेरे हुँ. साथ अपनी गूगल सर्च इंजन पे आप टाइप कीजिए आप गूगल सर्च इंजन खोलिए और आर्ग स्लैब टाइप कीजिए वहां पे इस तरीके से आपको दिख रहा है विंडो है गूगल पे फर्स्ट पेज इस तरीके से आपके सामने खुल के आया है आर्गस लैब लिखा हुआ आ रहा है जो पहला लिंक है जिसपे लिखा रहा है कोई बताना चाहेगा यस yes, हो गया डाउनलोड हो गया सर सर आपने इस इसपे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का स्क्रीन आ रहा होगा इस स्क्रीन पे आप देखिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड इसपे आप प्लीज क्लिक कीजिए आप सभी लोग इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक जिप फोल्डर आपके साथ आपके डाउनलोड जो भी आपका सिस्टम है वहां पे जिप फोल्डर आ जाएगा उसको ओपन करके आप ई फाइल को रन कीजिए जैसे ही आप अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे एक आपका आर्गस लैब का आइकन क्रिएट हो जाएगा किसी का डाउनलोड हो पाया है अभी यस मैम ओपन भी हो गया हां जी थैंक यू सर इस तरीके से आपका आप देखिए जैसा मैंने अभी अपने स्क्रीन पे दिखाया है एक आर्गस लिखा हुआ exe.exe डॉट फाइल इस तरह से क्रिएट हो जाएगी और आप उस पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पास एक विंडो आ रहा होगा क्या इसी तरह का विंडो आ रहा है सर, आप आप जिन्होंने डाउनलोड किया में एक पैनल और है साइड लेफ्ट सर, सर आप मेरे स्क्रीन पे देखिए क्या इसी तरह का आपको भी आपका भी स्क्रीन इसी तरह का है, है, है राइट में हाँ हाँ, हाँ पैनल आएगा ऐसा आ रहा होगा पैनल जी 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 ठीक है सर गुड ऐसा ये ही स्क्रीन पैनल है जिसपे हमें काम करना है क्या बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का डाउनलोड हो गया है क्या मैं जान सकती हूँ अगर आपको कोई मदद चाहिए तो प्लीज बताइए क्योंकि ये हैंड्स ऑन सेशन के माध्यम से आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे आ, से सीख मैं, पाएंगे हाँ जी मैम हुआ नहीं डाउनलोड नहीं हो रहा जैसे गूगल खोल रहे तो हो नहीं रहा ये सर uh, जैसे आपने गूगल पे टाइप किया तो पहला पहला लिक, पहला जो लिंक आता है वो आर्गस लैब जो पहला लिंक आ रहा है उस पर ब्लू टिक होगा आप उसको डाउनलोड उसपे क्लिक कीजिए सर इस तरीके से आपके पास विंडो खुल जाएगी जैसे ही आप उसपे गूगल आर्गस लैब पे, पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास पेज आएगा इसमें लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड दर्गस लैब बाकी सोनिक नहीं 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 सर आपने ना गूगल पे अगर आप जाएंगे आप देखिए मैं आपके लिए फिर से टाइप कर रही हूँ आप देखिए इस तरीके से आप प्लीज टाइप कीजिए आर्गस लैब लिखिए ठीक है आपके पास सबसे पहले आप सोनिक वाले पे नहीं जाइए वो किसी और वो कट शॉट है आप जो सबसे पहले बना आ रहा है आर्गस लैब जहां पे मैंने अपना फिंगर रखा हुआ है आप इस पे प्लीज क्लिक कीजिए जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तुरंत आपके पास इस तरह का विंडो आ जाएगा मैं मन, इसमें डाउनलोड आ रहा है कीप करना पड़ेगा तब डाउनलोड होगा हाँ उसको हर हर एक चीज को आपको रन करना है उसको ओके करते जाना है लास्ट में फिनिश आएगा फिनिश जैसे ही करेंगे आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा ये बाकी बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी हो चुका है मैम uh, वही चीज ये अनसेफ नहीं मैम कोई अनसे आप मैं उसको मैं कीप करना है अनसेफ को कीप अनसेफ नहीं है वो कीप करिए फाइल को क्योंकि आप कोई भी चीज नई डाउनलोड करते हैं तो वो हमेशा आपको आपसे परमिशन मांगता है उसको कीप करके भाई? आप आगे मूव कीजिए यहां लिखा कि विजिटिंग ए डोमेन विद अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स नहीं सर आप जैसे मैं आप एक ज़िप स्काई का कोई है, अलग से आ रहा है नहीं नहीं सर जो मैंने लिंक अभी आपके साथ स्क्रीन पे जिस तरीके से शेयर किया है आप मैं आपके मैं, लिए चैट बॉक्स और... में भी डाल देती हूँ लिंक आप वहाँ से चैट बॉक्स में डालिए हाँ जी रहेगा हाँ जी जी प्लीज इस लिंक को प्लीज सब लोग क्लिक कीजिए इन दीन टाइम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मॉलिक्यूल अभी हम इनिशियल थोड़े छोटे मॉलिक्यूल बनाना सीख रहे हैं आप यहां पे देख सकते हैं तो अगर हम अपने वापस स्लाइड uh, पर जाएं तो हमारा एम जो है हमें जो पहली एक्सरसाइज करनी है वो है हमें H2 H2O और बेंजीन मॉलिक्यूल को बनाना है तो ये पहले हम ये मॉलिक्यूल बनाना यहाँ पे सीखेंगे क्या मैं स्टार्ट करूं हैंड्स ऑन आपके साथ ये आर्गो स्लैब आ गया ये हाँ जी हाँ जी सर, सर वो हो जाएगा आ, आप स्क्रीन पे अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाकी सब पार्टिसिपेंट भी मैंने आर्गस लैब का स्क्रीन सबके साथ शेयर किया अगर आप देख पा रहे होंगे तो जी सर तो सबसे पहले आपको कोई भी मॉलिक्यूल बनाना है किसी का हो सकता है इस तरीके से टैब दिख रहा होगा तो आप ये जो दिख रहा है मेरा आइकन कहाँ पे यहां पे जा रहा है आप देख पा रहे होंगे शो द बिल्डर टूल किट इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका बिल्डर टूल किट ड्रॉप डाउन नीचे टैब बॉक्स की तरह बनकर आ जाएगा आप सबसे पहला स्टेप क्या है आप देखेंगे कि आपका एक जो एक, एक सेंटर पॉइंट से एक कर्सर की तरफ एक लाइन जा रहा है ठीक है आप जहां जहां इस पॉइंट को अपने कर्सर को मूव कर रहे हैं सेंटर पॉइंट से एक एक लाइन खिंचता हुआ चला जा रहा है और उस लाइन के एंड में कहीं कार्बन लिखा हुआ है साथ में टेट्राहेड्रल तो इससे ये पता लग रहा है कि ये जो सिस्टम है इसका जो डिफॉल्ट एटम है वो कार्बन लेगा वो हमेशा और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी बट इसे हम किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं जैसे कि लेटेस्ट सपोज अभी कार्बन सिलेक्टेड है तो आप प्रियडिक टेबल में जाके देखेंगे आप देखिए ये डिफॉल्ट ज्योमेट्री है कार्बन सिंबल एटॉमिक नंबर और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मैं इसको कहीं पे भी चेंज भी कर सकती हूँ ठीक है ऐसा नहीं है कि वो कार्बन ही लेगा आप कभी भी उस ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं अब सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था आपको एटम्स को अपने स्क्रीन पर ड्रॉप कराना है तो ये जो लाइन है ये इस लाइन से भी आप किसी भी यू कैन जस्ट गेट रेड ऑफ दिस लाइन बाय क्लिकिंग ऑन दिस येलो जो एरो है जिसको हम सिलेक्शन टैब बोलते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे लेफ्ट लेफ्ट माउस से क्लिक कीजिए एंड यू सिंपली गेट रेड ऑफ दिस लाइन ठीक है अब हमें क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पे एटम ड्रॉप कराना है तो एक पेंसिल के साथ एक आइकन आईकन बनाव छोटी सी बॉल है यहाँ पे ये मेरा टूल है टू आइकन है टू सेलेक्ट और ऐड द एटम्स मैं इसके पास कर्सर लेके जाऊंगी एंड आई विल प्रेस दी आई विटेड थ्रू माई लेफ्ट माउस बटन जैसे ही मैंने अपने स्क्रीन पे लेकर आई मेरे पास इस तरह से ये आ गया अब मैं क्या करूंगी अपने राइट right माउस को प्रेस करूंगी राइट हैंड माउस को प्रेस करूंगी जैसे ही मैं प्रेस करूंगी स्क्रीन पर एटम ड्रॉप हो जाएगा आप देख सकते हैं एटम आ गया स्क्रीन पर कैन यू ऑल सी दिस यस yes, मैम जी अब आप देखेंगे ये ग्रे कलर का एक बॉल सी बनकर आ गई अब ये ग्रे कलर क्या है जैसे मैंने आपको बताया डिफॉल्ट ज्योमेट्री कार्बन है ये कार्बन का ग्रे कलर है बट ऐसा नहीं है इस कार्बन को का ग्रे कलर इस सिस्टम ने प्रोवाइड कराया है और ये सिस्टम ही आपको चेंज करने का भी परमिशन देगा आप किसी भी टाइम इसकी इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं जैसा कि हम लेबल में आ, इसके डिस्प्ले में जाएंगे टूल्स में सेटिंग्स में जाएंगे तो हम इसके कलर्स की कलर्स को हम चेंज करा सकते हैं कोई भी अभी इसने ग्रे कलर लिया हुआ है मैं कोई भी कलर यहाँ पे बटन प्रेस करके इसको डिफरेंट कलर दे सकती हूँ बट अभी हम ये सब चीजों को इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए समझना कैसे कलर ये तो आप आसानी से कर सकते हैं हमारा मेन एम है मॉलिक्यूल बिल्ड करना यहाँ पे देन उसके बाद सेम चीज क्योंकि ये ये हाईलाइट मैंने येलो अब इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट करा हुआ है जैसे ही मैं इसको डी सेलेक्ट करूंगी तो ये मेरा वो ही फिर से ग्रे कलर में आ गया अब मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है तो मुझे एक और एटम चाहिए तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप करा इस तरीके से दो एटम्स यहाँ पे ड्रॉप हो गए बट हमें पता है कि हमें हाइड्रोजन लेना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट माउस को प्रेस करेंगे तो एक टैब ओपन होगा चेंज एटम चेंज एटम में हम जाएंगे हम कोई भी एटम जो हमें जिस जो भी रिक्वायर्ड एटम है उसको हम सेलेक्ट करेंगे इसमें मुझे यहाँ हाइड्रोजन चाहिए तो मैं हाइड्रोजन को पिक करूंगी हो सकता है मुझे कोई और एलिमेंट चाहिए तो मैं प्रियोडिक टेबल पे क्लिक करके वहां से उस एलिमेंट को पिक कर लूंगी अभी के लिए क्योंकि हमें इसको चेंज करना है टू दी हाइड्रोजन तो मैं हाइड्रोजन क्लिक किया तो आप देखेंगे जो उसका कलर था वो व्हाइट uh, हो गया बिकॉज हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पे व्हाइट कलर का उसने दिखाया सेम चीज हम इसके साथ करेंगे विल चेंज दी एटम और इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन एटम

स्क्रीन पे लाने के लिए मुझे जो भी सिलेक्टेड आइटम्स हैं जिनके बीच में मुझे बॉन्ड बनाना है उनको मैं सिलेक्ट करूंगी और इस तरीके से एक बॉन्ड इनके बीच में क्रिएट हो जाएगा क्या आप सब देख पा रहे हैं किस तरीके से बॉन्ड बन गया दो हाइड्रोजन के बीच में जी आप लोगों को विजिबल था ये बॉन्ड फॉर्मेशन Yes, जी अब आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर तो अगर यहाँ ऑप्शंस हैं मैं सारे टूल्स एक, एक एक करके जो भी मैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बता सकती हूँ हम यहीं पे सीख लेते हैं ये जो लेफ्ट ये जो ऐसे एरो दिख रही हैं ये है हमारा ट्रांसलेट करने का इससे मैं मॉलिक्यूल को यहाँ वहाँ ट्रांसलेट कर सकती हूँ ये मेरा है टू टू रोटेट दिस मॉलिक्यूल इन ऑल दी डायरेक्शन दिस टूल होता है हमारा इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए ये वाला टूल है स्पेसिफिकली ये रोटेट करेगा अराउंड दी जेड एक्सिस ये हमने देख ही लिया था येलो वाला जो हमारी एरो एक तरीके से सिलेक्शन टैब है ये पेंसिल के साथ जो बॉल बना हुआ ये हमारा एड एटम का ऑप्शन है और ये बिल्डर टूल किट है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे प्रियोडिक एलिमेंट्स लिस्ट हुए हुए हैं ये हमारा ऑटोमेटिक बॉन्ड फंक्शन था तो आप देखिए इसी इसी मॉलिक्यूल इसी स्ट्रक्चर के दौरान हमने इतने सारे टूल्स यहाँ पे सीख लिए हैं अब हम वापस अपने मॉलिक्यूल पे जाते हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मेरा स्टेप वन और स्टेप टू मेरा कंप्लीट हो चुका है मैंने एटम को ड्रॉप करा दिया है बॉन्ड्स बना दिए हैं ज्योमेट्री डिफ हमने एटम्स को चेंज करना था वो भी कर लिया है अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है इसको क्लीन करना क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे क्लीन ज्योमेट्री करनी पड़ेगी अदरवाइज वो मेरा फाइनल स्ट्रक्चर नहीं होगा और क्लीन ज्योमेट्री करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा तो आप जैसे ही क्योंकि आप देखिए क्लीन ज्योमेट्री करने के लिए यहाँ पे आपके ऊपर मेन्यू बार में एक ऐसे फ्लेम जैसा ऑप्शन सॉरी यहाँ पे एक सीजर जैसा ऑप्शन बना हुआ है जो है क्लीन ज्योमेट्री जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं ये आपको ऑटोमेटिकली पहले ही सेव करने को बोल देगा तो इट मीन्स आपको फाइल को सेव करना है आप फाइल को यहाँ पे कोई नेम दीजिए हम जैसे देते हैं हाइड्रोजन ठीक है इसको मैंने अपना डेस्कटॉप पे सेव करा इसमें आप इसको सेव का बटन प्रेस करेंगे साथ ही आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन के नीचे कुछ कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली रन हो चुकी थी इसका मतलब इसने इस पे कुछ मॉलिक्यूल पे कैलकुलेशन हुई है और ये मॉलिक्यूल का आप देखिए हुलिया ही बदल गया जिस पहले वो बॉन्ड्स कितने खिंचे हुए थे अभी बॉन्ड थोड़े से कंप्रेस हो गए हैं और ये रियलिस्टिक स्ट्रक्चर की ओर जा रहा है देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होता है इसको ज्योमेट्री को ऑप्टिमाइज करना साथ ही हम इसको लेबल भी करा सकते हैं लेबलिंग के लिए आप जाएंगे ऑल एटम्स जो है इसमें आप एटम लेबल सेटिंग देंगे एटम नंबर सिंबल के माध्यम से भी करा सकते हैं आप देखिए मैं इस मॉलिक्यूल को सेंटर में प्रोजेक्ट कर देती हूँ ताकि ये और अच्छे से विजिबल हो जाए इस टूल के माध्यम से सेंटर द मॉलिक्यूल इन विंडो इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे आपका मॉलिक्यूल सेंटर में आ जाएगा इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ये इस तरीके से मेरा H2 मॉलिक्यूल बन चुका है ऑल दो अभी इसमें ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन स्टेप मिसिंग है वो भी हम अभी कर लेते हैं तो यहां से हमने लेबलिंग सीख लिया लेबलिंग आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन भी लेबल दिखा सकते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी एस एस हाइड्रोजन की तो अभी हम इसको एटम एंड नंबर एंड सिंबल पर ही रखते हैं विच इज मोर कन्वीनियंट इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल बिल्ट हो गया नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज करना ऑप्टिमाइज करना मैंने आपको बोला था रीजन है उसको ताकि आप मोर रियलिस्टिक और ट्रू स्ट्रक्चर की ओर जा सके तो उसके लिए आप कैलकुलेशन टैब में लेफ्ट प्रेस करेंगे ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री बटन प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपको लगेगा इसमें तो इतने सारे फीचर्स हैं ये कैसे यूज होंगे हमें क्योंकि हम एक बिगनर लेवल पे इसको सीख रहे हैं तो हम अपने आप को सीमित करेंगे क्यूएम जो ऊपर लिखा हुआ है क्यू एम मतलब क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन ये है एम एम मॉलिकुलर मकैनिक कैलकुलेशन हम लोग एज पर दी रिक्वायरमेंट और एज पर आवर टूडे सेशन वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू क्वांटम मकैनिकल कैलकुलेशन एंड वी विल यूज दिस ए एम वन मेथड ये डिफरेंट मैथड्स के नेम है ये ऑस्टिन मॉडल है ये अलग अलग नेम्स के मेथड हैं हम एएम वन ले लेते ले हैं क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए आसानी से वर्क करता है मेथड आप इसको देखेंगे यहाँ पे आपके पास आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज भी लिस्ट आउट है हम उनको भी आगे सीखेंगे किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे हम ओके okay करेंगे जैसे ही हम ओके okay करा आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में और चेंज आया और नीचे और कैलकुलेशन हो गई है ठीक है तो ये सारी कैलकुलेशन जब आपका कैलकुलेशन uh, पूरी हो जाती हैं तो नीचे एक लिखा आता है कैलकुलेशन फिनिश्ड एंड ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज कन्वर्ज मतलब आपकी ज्योमेट्री जो है वो कन्वर्ज हो गई है यू आर नाउ यू हैव योर रियलिस्टिक ट्रू स्ट्रक्चर व्हिच इज

हुआ ना फर्स्ट टाइम में ऊपर से सर आपने सेव करा था उसको ना। ठीक है सर ए, एक और मॉलिक्यूल हम लेते हैं उसको भी आप अब, अब अब इस इस मॉलिक्यूल को आप दोबारे से हो सकता है कोई फीचर आपका मिस हो गया हो हमें जब भी भी कोई नया मॉलिक्यूल बनाना है हम क्रिएट न्यू मॉलिक्यूल टैब पे जाएंगे और हमारे पास फिर से एक नई ब्लैक विंडो क्रिएट हो जाएगी ठीक है तो हम अब यहाँ पे एच मॉलिक्यूल को बनाना सीखते हैं लेट अस सपोज फर्स्ट वी विल ड्रॉप एटम ड्रॉप करने के लिए हमेशा आपको अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक करना है ठीक है राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बॉल आपके सिस्टम पे ड्रॉप हो जाएगी ठीक है ये बॉल बेसिकली आपका डिफॉल्ट एटम है जो आपका कार्बन है अब मैं इसको चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो मैं इसको चेंज एटम ऑक्सीजन बना लेती हूँ इसको मैं ठीक है अब आप देखिए कि जैसे ही मैंने इसको ऑक्सीजन सेलेक्ट करा इसका कलर चेंज हो गया इट बिकम्स रेड जो इसकी डिफॉल्ट जो इसकी ज्योमेट्री है इसने वो इसका सेलेक्ट करा लिया है अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे नेक्स्ट फीचर क्योंकि हमें हाइड्रोजन बनाना है सॉरी एच टू मॉलिक्यूल बनाना है तो इसके अंदर मुझे दो हाइड्रोजन की जरूरत है दो हाइड्रोजन ऐड कराने के लिए हमारे पास आप ऊपर देखेंगे ये एक पूरा मेन्यू बार है इसमें आप देखिए एच लिखा हुआ है दिख रहा है सबको ये एच पार्टिसिपेंट ये एच विजिबल है एच के साथ एक एच डिलीट हाइड्रोजन इरेजर भी बनी हुई है तो हम इस एच हाइड्रोजन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले एड हाइड्रोजन जैसे ही मैं एड हाइड्रोजन करूंगी जो भी उस स्ट्रक्चर के रिक्वाय रिक्वायरमेंट होंगी जितनी भी हाइड्रोजन की एज पर इट्स वेलेंसी उसको सेटिस्फाई करेगा और उसमें वो हाइड्रोजन को इनकॉर्पोरेट कर देगा ना यू जस्ट सी आई प्रेस द एच बटन ना यू कैन सी हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड एंड आई कैन रोटेट दिस मॉलिक्यूल एंड आई कैन विजुअलाइज जिस भी डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करा सकते हैं and we can see ये किस तरीके से molecule हमारा rotate कर रहा है दिख रहा है is it visible मैंने सेंटर टू विंडो किया तो मेरा मॉलिक्यूल सेंटर विंडो में प्रोजेक्ट हो गया सर ये आपसे बना अभी आप लोग बना पा रहे हैं ये वाला मॉलिक्यूल इतना इतने स्टेप तक पहुंचे आप लोग कोई अपना शेयर करना चाहेगा एक्सपीरियंस वन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है हो हो रहा रहा है है वन हाइड्रोजन ऐड सर आपने इसको ऑक्सीजन सेलेक्ट किया था इसको ठीक ox... है सर आप मेरे साथ एक बार दोबारे से स्टेप को फॉलो करें इसको डिलीट किसी भी आपका जो स्ट्रक्चर है आप चाहते हो कि मैं उसी विंडो में बनाऊं मेरे को क्रिएट न्यू फाइल नहीं करनी तो आप एटम्स को सिलेक्ट कीजिए ठीक है जो भी आपके एटम्स है और आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो एटम्स आपके डिलीट हो जाएंगे ठीक है अब सर आप फिर से इस मॉलिक्यूल को हम बिल्ड करना सीख लेते हैं प्लीज आप यहां पे एक बार देखिए मैं सबसे पहले एड एटम करा रही हूँ आप देखिए यहाँ पे मैंने कार्बन ले रखा है मैं चाहू तो यहाँ से डायरेक्टली प्रियडिक टेबल से मैं ऑक्सीजन को भी पिक कर सकती हूँ मैं ऑक्सीजन पे अगर सिलेक्ट करूंगी मैं प्रियोडिक टेबल में जाके यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेक्ट करूंगी मैं हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल लिया इसको ओके okay करूंगी तो मेरा जो ड्रॉपिंग एटम होगा नाउ इट विल बी ओ टेट्राहेड्रल आप देख सकते हैं जो मेरा सेंटर पॉइंट से लाइन है जब कर्सर जा रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन बन गया अब मेरा एटम ऑक्सीजन मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको ड्रॉप कराएंगे हम स्क्रीन पे जैसे ही ड्रॉप कराएंगे आप देखिए इस तरीके से एक बॉल रेड बॉल क्रिएट हो गई है अब नेक्स्ट स्टेप में सर ध्यान रखिए आप ऊपर जो एड हाइड्रोजन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन एड हो जाएंगे देखिए ठीक है अगेन हम वही फीचर इसमें फॉलो करेंगे हम सबसे पहले इसको क्लीन करना सीखेंगे इसको ही हम क्लीन करेंगे तो हम पहले इस मॉलिक्यूल को सेव करेंगे अपने सिस्टम पर सेव करा उसके बाद हम ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन का रन लगाएंगे ठीक है साथ ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मैं एक और इसमें चीज सिखा देती हूं यहाँ पे किस तरीके से हम इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेक कर सकते हैं तो आप देखिए कि यहां पे बॉन्ड डिस्टेंस तो दो एटम्स के बीच में आएगा तो जो भी एटम्स के बीच में आपको बॉन्डलेंथ देखना है चेक करना है तो आप उन एटम्स को पहले सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल प्रेस कीजिए यस ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन के सर वो दे, अभी uh, ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन अभी यहाँ पे आप जाएंगे कैलकुलेशन टैब में ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री करिए करें, करें, इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल गया आपका यस हाँ फिर आप क्यूएम मेथड में एएम वाला सेलेक्ट करके रखिए आपको कोई और मेथड को uh, समझने का अभी यहां पे ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं यू जस्ट पिक एम वन जो पहला लिखा हुआ है क्यूएम के अंडर और ओके OK का बटन प्रेस कर दीजिए जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका मॉलिक्यूल एक ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज हो जाएगी ठीक है सर तो अब हम मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल हम कैसे देख सकते हैं तो आप देखिए कि जो भी एटम्स हमको जिनके बीच में हमें लेंथ चाहिए हम उनको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल हमने सिलेक्ट किया कि इसमें सिलेक्शन हां जी हम मॉनिटर में इसको आप सिलेक्ट कर पा रहे हैं इसको सिलेक्ट कीजिए कैन एनी वन डू द सिलेक्शन पार्ट हेयर येलो कलर का हो गया हाँ येलो कलर का हो गया सर मेरा इसमें ये हैंग हो गया यहाँ पे तो आप उसको सेलेक्ट जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस विंडो में इस तरीके से एक क्वेश्चन मार्क करके एक लाइन खींची हुई है आप उसको क्लिक कीजिए जिसके नीचे लिखा हुआ डिस्प्ले द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम नहीं, वो तो वो, पर तो नहीं पर सर आप आपको एटम सेलेक्ट करना पड़ेगा ना दो एटम सेलेक्ट कीजिए पहले आप साथ दो एटम सिलेक्ट नहीं कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके सर सिलेक्ट कीजिए जैसे सर मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ ये कंट्रोल करके आप बटन को सेलेक्ट करेंगे आप देख पा रहे हैं मैंने सेलेक्ट किया दोनों हाइड्रोजन हाईलाइट हो गए हैं वो विंडो कुछ करप्ट हो गया था वाला मोलिक्यूल तो मैंने उसको क्लोज कर दिया है आप यहाँ पे प्लीज सब लोग स्क्रीन पे देखिए क्या आप ये दो हाईलाइटेड हाइड्रोजन आइटम देख पा रहे हैं यहाँ पे जी सर आप बताएंगे अब दिख रहा है आपको अब आप प्लीज ध्यान दीजिए ऊपर मेन स्क्रीन जो मेन्यू बार है यहाँ पे आप देखिए एक एरो बना हुआ है एक लाइन खींची हुई है और उसके नीचे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और उसके नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है डिस्प्ले द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूं आप देखिए तो जो जो भी डिस्टेंस है इनके बीच का ये क्लिक हमें दिख चुका है यहाँ पे ठीक है तो इस तरीके से हम डिस्टेंस यहाँ पे बॉन्ड लेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट इसके मॉलिक्यूल पे आते हैं जो था हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल अब बेंजीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो तरीके हैं या तो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एटम्स को स्क्रीन पे ड्रॉप कीजिए एटम्स को और एक सिंपल और इजी तरीका है जो इसके इनबिल्ट टेम्पलेट स्ट्रक्चर है आप वहां से एटम जो भी रिंग चाहिए आपको जो भी स्ट्रक्चर चाहिए उसको पिक कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि टैब बॉक्स में यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंशन है एटम्स रिंग्स अमीनो एसिड मैं रिंग्स पे क्लिक करूंगी जैसे ही मैं रिंग्स पे क्लिक करूंगी मेरे पास एक रिंग आ गया दैट इज माई बेनजीन रिंग इसको मैंने सेलेक्ट किया और राइट right क्लिक करके इसको स्क्रीन पे ड्रॉप करूंगी तो मेरी बेनजीन रिंग यहाँ पे सेलेक्ट होकर स्क्रीन पर आ गई और ये जो हमारे पास ये ब्लू लाइंस दिख रही इस इसपे मैं दोबारे से एक बार क्लिक करूंगी तो ये हट जाएंगी तो ये मेरा बेंजीन मॉलिक्यूल बनकर तैयार है ठीक है तो दो तरीके से हमने आज इस मॉलिक्यूल को बनाना हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनाना सीखा जो हमारा एम था हमें मॉलिक्यूल बिल्ड करना था और हमें किस तरीके से बिल्ड करना था हमने बिल्ड करना सीखा अपने बिल्डर टूल किट की सहायता से और हमने यहाँ पर अपना जो भी टेम्पलेट स्ट्रक्चर थे उनकी सहायता से हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करना सीखा तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम फटाफट नेक्स्ट पे चलते हैं आप नेक्स्ट पे देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बोल रही हूँ करना हमें बॉन्ड एंगल एच टू ओ एच टू एस और एच टू एस सी का मतलब इनके बॉन्ड एंगल्स हमें कंपेयर करने हैं तो बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम तुरंत एक बार फटाफट ये वाला एक मॉलिक्यूल बना के मैं आपके साथ दिखाती हूँ कि हम हम किस तरीके से हम बॉन्ड एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं H2S तो सबसे पहले मैंने ड्रॉप कराया अब मैं इसको चेंज कर देती हूं टू दी सल्फर एटम सल्फर मेरा यहाँ पे नहीं है तो मैं प्रियोडिक टेबल से सल्फर को पिक करूंगी जैसे ही मैंने सल्फर यहाँ पिक किया ओके okay करेंगे तो सल्फर इस तरीके से कुछ मस्टर्ड येलो कलर की एक बॉल हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है अब हम नेक्स्ट स्टेप एड हाइड्रोजन कराएंगे तो हमने एड हाइड्रोजन कराया आप देखिए दो हाइड्रोजन इसमें एड हो गए एच टू एस मॉलिक्यूल बिल्ट हो गया नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा क्लीन ज्योमेट्री हम क्लीन ज्योमेट्री पे लेफ्ट क्लिक करेंगे अगेन इट विल टू सेव दॉलिक्यूल फर्स्ट मैं एच टू एस को सेव कर रही हूं यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल को सेव किया नेक्स्ट स्टेप रहेगा ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज करना ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री पे जाएंगे ए एम वन मेथड पिक करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको एक और फीचर सिखा देती हूँ यहाँ पे हम डायपोल मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का बटन है मैं इसको ओके okay करूंगी और इसको मैं यहां से सेलेक्ट करके ओके okay कर देंगे तो आप देखेंगे मेरी कैलकुलेशन फिनिश हो चुकी है और एच टू एस मॉलिक्यूल स्क्रीन पर आ चुका है अब जो भी मैंने कैलकुलेशन रन करी है उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा है तो इसकी अपनी एक लाइब्रेरी है ऑल दो जब भी भी आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे वो पुरानी वाली को इरेज कर देगा और नई लेटेस्ट कैलकुलेशन का रिजल्ट आपको आउटपुट फाइल की तरह देगा तो आप देखिए यहाँ पे मैंने अपना माउस यहाँ पे कर्सर गया है जहा पे लिखा है व्यू लेटेस्ट कैलकुलेशन रिजल्ट ये ऐसे वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह दिख रहा है इस इसपे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी आपके सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सारा डेटा यहाँ पे इकट्ठा होकर आ गया है अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी आप देखिए इसको इसमें जितने भी उसने स्टेप्स यूज करे वो सब मेंशन ऑल दो वो सब हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारा एम था हमने यहाँ पे क्या देखना था हीट ऑफ फॉर्मेशन देख सकते हैं किस तरीके से कितना इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है ठीक है सेकेंड स्टेप था डायपोल मोमेंट तो आप जानते हैं डायपोल का यूनिट है डी बाय इसने एक्स वाई जेड सब डायरेक्शन में कैलकुलेट किया और उसकी टोटल लेंथ आपको दे दी है वन पॉइंट एट सिक्स जीरो समथिंग तो इस तरीके से आप देखिए कि आप डायपोल मोमेंट भी अपने मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं अब यहाँ पे हम एक और चीज यहाँ पे फीचर सीख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंगल अगेन द सेम स्टेप बॉन्ड एंगल आपको तीन एटम्स uh, uh, को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो आई एम सेलेक्टिंग थ्री एटम्स हेयर फर्स्ट आप भी साथ साथ इसमें कीजिए सिलेक्शन इसको सेलेक्ट कीजिए आई थिंक सम माय दिस फीचर इज नॉट वर्किंग आप प्लीज ट्राई करके देखिए इसमें मैम मेरे में हो गया। हो गया गया गुड सर तो आप देखेंगे जैसे ही मैं तीन आइटम्स को सेलेक्ट कर लूंगी मेरा यहाँ पे विंडो बार पे यहाँ पे ये यह वाला जो एंगल वाला ऑप्शन है ये हाईलाइट हो गया होगा जैसे ही हाईलाइट होगा मैं इसको प्रेस करूंगी तो मेरा बॉन्ड एंगल कैलकुलेट होके आ जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ इस तरीके से आपके पास बॉन्ड एंगल की वैल्यूज फाइव पॉइंट हाँ जी सर तो इस तरीके से आपके पास सर अगर आपका नाइनटी फाइव आ रहा है तो आपने स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज नहीं करा होगा एक बार देखिएगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे आपके पास जो क्लोज होंगे ऑप्टीमाइज ऑप्टिमाइज सर मैंने आपको भी बताया कैलकुलेशन टैब में आप जाएंगे ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री का बटन दबाना है एएम वन मेथड को क्लिक करना है और उसके बाद आप ओके OK बटन प्रेस कर देंगे तो आपका ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज हो जाएगा ठीक है सर अब ये ये हमारा नेक्स्ट जो था ए एक्सरसाइज इसमें हमने डिफरेंट तरह के H2O, H2S और H2SC में किस तरीके से हम बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने सीख लिया यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ एक और शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम एल्केन्स एल्किन्स और एलकाइंस को बना सकते हैं और उनका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारे पास समय थोड़ा कम है हम थोड़ा जल्दी इसको सीखेंगे ठीक है तो आपको थोड़ा सा फास्ट मेरे साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा आप देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ एल्किन एक इथेन मॉलिक्यूल बनाती हूँ हम हमने अपना कर्सर को राइट माउस को प्रेस किया एटम ड्रॉप कराया मुझे दो एटम चाहिए तो मैंने दोनों एटम्स दो एटम दो बार क्लिक करा अपने सिस्टम पे अब मुझे इनके बीच में बॉन्ड चाहिए तो बॉन्ड ऑप्शन को हाईलाइट किया ये बॉन्ड क्रिएट हो गया ठीक है अब मैं इसमें एड हाइड्रोजन जैसे ही कराऊंगी एड हाइड्रोजन कराया ठीक है सर तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक इथेन मॉलिक्यूल जो रफली तैयार हुआ है अभी ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है एक बार आप सब लोग फिर से देख लीजिए स्ट्रक्चर बिल्ड करने के बाद जो दो मेन स्टेप हैं वो आपको फॉलो करने हैं सबसे पहले आपको क्लीन ज्योमेट्री का बटन दबाना है जैसे ही आप क्लीन ज्योमेट्री करेंगे वो आपको बोलेगा सेव दिस मॉलिक्यूल तो मैंने इसको सबसे पहला मेरा स्टेप है मैं इसको सेव करूंगी इसको फाइल नेम दिया सेव किया जैसे ही सेव करेंगे आप देखेंगे इस तरीके से स्ट्रक्चर स्क्वीज हो गया अब मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि मैं इसके अंदर अपना ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज करना सीखूंगी साथ साथ मैं चाहती हूं कि मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन भी इस बार निकाल लूं तो आप ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन का बटन प्रेस करेंगे ए एम वन पर जाएंगे और साथ में आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैं बॉन्ड ऑर्डर भी चाहती हूँ कैलकुलेट हो जाए और हीट ऑफ फॉर्मेशन भी तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर पे प्रेस करा हीट ऑफ फॉर्मेशन मेरा ऑटोमेटिकली आउटपुट फाइल में आ जाएगा तो मैं हम बॉन्ड ऑर्डर को भी सिलेक्ट कर रही हूँ अब ध्यान दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन में हमने डायपोल मोवमेंट देख लिया था अब हम बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं और मैं इसको ओके okay प्रेस कर दूंगी तो मेरा मॉलिक्यूल जो है ये ऑप्टिमाइज हो चुका है ठीक है अब हम इसकी आउटपुट फाइल पे जाते हैं क्योंकि हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना था तो आप इसकी आउटपुट फाइल पे जाइए और लास्ट में आप देखिए इस तरह से आपके पास एक स्क्रीन में आप देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है विब विबगर एटम एटम बॉन्ड ऑर्डर्स तो ये बॉन्ड ऑर्डर है इसको सेलेक्ट इसको आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमारे एक कार्बन एटम के नंबर है सी वन सी टू सी थ्री लाइक दिस और ये हमारा सेकेंड कार्बन है सी वन सी टू लाइक दिस तो ये कार्बन वन है ये दूसरा कार्बन वन इस तरीके से इसको नंबरिंग दे रखा है ये नंबरिंग आपको मैंने अभी बताया था हम डिस्प्ले करा सकते हैं तो आप देखिएगा मेरे को निकालना है सी वन और सी टू कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर तो मेरा ये वैल्यू है दिस इज माई वैल्यू वन पॉइंट जीरो जीरो नाइन थ्री फोर नाइन मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ यहाँ पर और जैसा कि मैंने आपको बताया था हम स्टूडेंट के साथ एक असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं तो वो असाइनमेंट फाइल भी मैं आपके साथ दिखाती हूँ ये रहा आप इस तरीके से एक असाइनमेंट अपने स्टूडेंट के साथ क्रिएट कीजिए जहां पे आप बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने को बोलिए और यहाँ पे मैं वैल्यूज को पेस्ट कर दूंगी बॉन्ड लेंथ हम कैलकुलेट करना भी सीख ही चुके हैं एक लास्ट चीज और यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से मैं स्ट्रक्चर को कॉपी कर सकती हूँ मैं फाइल ऑप्शन में जाऊंगी एक्सपोर्ट बटन दबाना है यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट बटन जैसे ही दबाएंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं आपको जेपीजी फॉर्मेट को पिक करना है और इसको फाइल को अपने डेस्कटॉप पे आप जहां पर भी आप सेव करना चाहते हैं आप सेव करेंगे अब मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलती हूं आप देखिए यहां पे मेरा ये इथेन मॉलिक्यूल सेव हो गया है इसे मैं कॉपी कर सकती हूं मॉलिक्यूल को और मैं अपनी फाइल पे जाकर जो भी मेरी आउटपुट जहां पे भी मैंने असाइनमेंट अपने स्टूडेंट के साथ क्रिएट किया है वहां पे वो बच्चा उसमें जाएगा और इसको पेस्ट कर देगा जैसे ही उस स्ट्रक्चर को पेस्ट करेगा आप फॉर्मेटिंग टैब में जाके इसको एडिट कर सकते हैं आप देखिए तो इस तरीके से आपके पास बच्चा यहाँ पे ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री डालेगा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर और हीट ऑफ फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया था हम इसकी आउटपुट फाइल को निकालेंगे और यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू मैंशन है विल कॉपी हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम हेयर एंड विल प्लेस द डेटा हेयर तो दिस इज वे इन दिस वे द स्टूडेंट कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज सो दिस इज वन वे इसमें हम डिफरेंट तरह से ऐसी ही इथीन मॉलिक्यूल क्रिएट कर सकते हैं मैं आपको इथीन मॉलिक्यूल फटाफट सिखाती हूँ आप देखिए ये हमारा इथिन हमने क्रिएट कर लिया है मुझे इथीन बनाना है तो सबसे पहले मुझे अपने इनके एटम्स जो है इसको सेलेक्ट करना है इसको डबल बॉन्ड क्रिएट करना है और इन एटम्स को मुझे पिक करना जो भी मेरे ये यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया आपका अब जो भी मेरा एटम है क्योंकि हम मेरे जो आ, एल्कीन मॉलिक्यूल इथाइन इत, इत, मॉलिक्यूल है और इथिन मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन एटम सेम नहीं होते जो इथेन के होते हैं तो इथिन में मेरे पास सी C2H, टू एच फॉर्मूला है एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसलिए एक्स्ट्रा है क्योंकि अभी भी हमारा जो एटम का ज्योमेट्री वो एसपी है मुझे एसपी करना पड़ेगा यहाँ पे एसपी नॉन एरोमेटिक क्योंकि ये रिंग नहीं है सिमिलरली मुझे इसे भी एस करना पड़ेगा और मैं रिमूव हाइड्रोजन कर दूंगी इसके बाद हम यहाँ पे इसे भी हम चेंज कर देते हैं sp2 टू नॉन एरोमेटिक अब मैं एड हाइड्रोजन करूंगी तो मेरे पास दो ही हाइड्रोजन आएंगे बिकॉज आई हैव चेंज माई ज्योमेट्री टू द रिक्वायर्ड ज्योमेट्री जो मुझे चाहिए मुझे sp2 चाहिए था मुझे sp3 नहीं चाहिए इन द सेम वे वी कैन मेक आवर इथाइन मॉलिक्यूल ऑल्सो तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर इथाइन मॉलिक्यूल का सेम वे है आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे और उसको मेक ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे एंड वहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन रखना पड़ेगा एज दी सी एस पी हाइब्रिडाइजेशन आई होप ये सबको क्लियर हो रहा होगा अभी अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड बिकॉज ये हमने assign, ये हमारा uh, जो, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट थी हैंड्स ऑन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है आपको अगर कोई भी डाउट है यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप बना हुआ है इज देर एनी डाउट अभी तक जो सीखा है आई होप जब आपके पास रिकॉर्डेड सेशन आएगा तो आप वहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं वहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी अभी है तो हम थोड़ा सा है उसमें ले सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं कोई भी डाउट है या क्वेरी आपको तो वेलकम सर मैम बीच में थोड़ा सा लिंक